Hello learners and welcome to this course on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. From this video, we are going to start with chapter number 6, that is Motor Vehicle Act, Road Safety and Garage Practice. The CO for this video lecture is select service tool for relevant service operation in automobile shop. So basically this is a topic which is focused on Motor Vehicle Act, Road Safety and Garage Practice. So abhi tak hum logon ne automobile ke bare mein padha, automobile ke construction, uske working ke bare mein abhi tak ke videos hamare dedicated the. इस वीडियो लेक्चर से हम लोग जनरलाइज टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी जब आप ऑटोमोबाइल को यूज कर रहे हो, रोड पर जब आप यूज करते हो तो वो एक रूल के साथ, लॉ के साथ अबाइड होता है. सो इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. उसके बाद गाड़ी को जब आप रोड पे यूज कर रहे हो तो रोड सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में बात करेंगे. और सबसे आखिरी में हम लोग बात करेंगे गैरेज प्रैक्टिस यानी मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के बारे में. तो शुरुआत करते हैं लर्निंग आउटकम से. सो इस वीडियो के लर्निंग आउटकम के बारे में पहले बात करेंगे. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू, सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है डिफाइन द गिवन टर्म्स रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्ट. सो डिफरेंट टर्म्स जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ये टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ऑटोमोबाइल को लॉज की भाषा में किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किस तरह से उसकी डेफिनेशन होती है. और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड, तो उनके बारे में मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद देखेंगे द मीनिंग ऑफ गिवन रोड ट्रैफिक साइन. तो रोड ट्रैफिक साइन के बारे में बात करेंगे कि रोड ट्रैफिक साइन किस तरह से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, किस तरह से उनको फॉलो किया जाता है और व्हाई इट इज नेसेसरी, वो भी हम लोग देखेंगे. तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, डिस्क्राइब विद स्केच द गिवन टाइप ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स. सो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे फीचर्स आजकल यूज किए जाते हैं, कंफर्ट लेवल के लिए होते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए होते हैं, तो ये फीचर्स किस तरह से होते हैं, क्या काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे. और लास्ट में हम लोग ऑटोमोबाइल के सर्विस के बारे में देखेंगे कि एक ऑटोमोबाइल को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, मेंटेनेंस के टाइप क्या क्या होते हैं. और जब मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे तो ये मेंटेनेंस कहाँ पर किया जाता है, तो सर्विस स्टेशन किस तरह से काम करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे. सबसे पहले पीओ पीएसओ मैपिंग की अगर बात करें तो पीओ वन यहाँ पे मैप हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारा कुछ बेसिक नॉलेज है जो एनहांस होने वाला है. सो इसीलिए बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज को मैप किया गया है. उसके बाद पीओ फोर, तो यहाँ पे हम लोग कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो करते हैं. सो इसीलिए पीओ फोर मैप किया है. ये जो चीजें है ये जनरलाइज लाइफ में आपके ये यूज आती है, कॉमन डे टू डे लाइफ के लिए यूजफुल चीजें, टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. सो इसीलिए दिस विल बी योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपको पूरी लाइफ में काम में आने वाला है. और लास्ट में पीएसओ टू, क्योंकि ऑटोमोबाइल के मेंटेनेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सो इसीलिए पीएसओ टू भी यहाँ पर मैप होता है जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट. सो दिस इज द लर्निंग आउटकम फॉर दिस चैप्टर. सो मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे कि नाम ने लिखा है, दिस इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल. अब इंडिया में या किसी भी कंट्रीज में जब आप मोटर व्हीकल को यूज करते हो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. क्योंकि आप जब मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो, आप रोड पे यूज कर रहे हो, ट्रैफिक है, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाकी लोगों का भी ट्रांसपोर्ट उसके वजह से हो रहा है. सो इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट हर कंट्रीज में होता है. इंडिया में जो मोटर व्हीकल एक्ट है इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होती है उन्होंने इस लॉ को रेगुलेट किया है, जिसके अंदर मोटर व्हीकल से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. सो मोटर व्हीकल एक्ट को बारे में क्या क्या सर्विस, क्या क्या डिटेल मोटर व्हीकल एक्ट में होती है, किन चीजों को रेगुलेट करने के काम में आता है वो देखते हैं. सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजन रिगार्डिंग
लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर कंडक्टर। सो देखिए, ड्राइवर को लाइसेंस होना चाहिए, और ये लाइसेंस पाने के लिए, लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। कंडक्टर के लाइसेंस होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया बताया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, यानी आप गाड़ी अगर खरीद रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रूल है, व्हीकल किस तरह से मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं वो देखेंगे। कंट्रोल ऑफ मोटर व्हीकल थ्रू परमिट्स, तो आपके व्हीकल को यूज करने के लिए परमिट्स होता है, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स आप यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उसके लिए परमिट लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अब हर स्टेट में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग होती है, जैसे कि आपके MSRTC है या RTO ऑफिस है, तो ये सारी चीजें किस तरह से फंक्शन करेगी, उसके रिलेटेड क्या रूल्स है वो सब भी इस लॉ में बताया जाता है। उसके बाद ट्रैफिक रेगुलेशंस, इंश्योरेंस आपके व्हीकल का किस तरह से होना चाहिए, क्यों वो जरूरी है, लायबिलिटी क्या हो सकती है, यानी एक्सीडेंट अगर हो रहा है किसी का तो किसकी लायबिलिटी बनती है, किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हो और उसके रिलेटेड क्या क्या पेनाल्टीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में ये लॉज आपको बताते हैं। उसके बाद जो मोटर व्हीकल एक्ट है इंडिया में, इट वॉज पास्ड इन 1988, उसके पहले 1938 में एक लॉ पास हुआ था, उसी के बेसिस पे नया लॉ जो बना था वो 1988 में पास हुआ था। हमारे करिकुलम में हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट लॉ पास हुआ है, जो 2019-20 में उसका यूज करना शुरू हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। हम यहाँ बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब मोटर व्हीकल एक्ट बनाती है, सो उसको लागू करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए वो कुछ रूल्स भी बनाती है। सो इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बाद, उसके बाद में उस लॉ को किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, उसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 भी बनाए गए थे। सो 1989 में वो रूल्स आए जिसके बेसिस पे पूरे इंडिया में ये जो लॉ है वो लागू किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द मोटर व्हीकल एक्ट। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 में पास हुआ, और उसी को अप्लाई करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। अभी जो एक्टिव आपका इंडिया में जो एक्टिव लॉ है मोटर व्हीकल से रिलेटेड है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, और उसी से रिलेटेड आता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं, साइलेंट फीचर क्या है। तो मोटर व्हीकल एक्ट पास्ड इन 1988 बाय द इंडियन पार्लियामेंट रेगुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सो मोटर व्हीकल से रिलेटेड और रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो इसी लॉ के अंदर बताए गए हैं। एंड इट हैज प्रोविजन फॉर, सबसे पहले तो ट्रैफिक रेगुलेशन से रिलेटेड प्रोविजन है कि ट्रैफिक किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कि ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी व्हीकल है उनको बनाने से लेके उनकी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सारी चीजें होती है। व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो व्हीकल इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ पर होती है, क्योंकि लायबिलिटी एक्सीडेंट के केस में किसके ऊपर रहेगी वो व्हीकल इंश्योरेंस से डिसाइड होती है। व्हीकल मोटर का रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको ये लॉ बताता है। कंट्रोलिंग परमिट्स एंड पेनाल्टीज, तो आपको व्हीकल यूज करना है तो कमर्शियल व्हीकल जब आप लोग यूज करते हो तो कौन से स्टेट में यूज कर सकते हो, किस पर्पस के लिए आप वो व्हीकल यूज कर रहे हो उसके लिए आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी इस लॉ में आपको बताया जाता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। सो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यानी जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो आप, जो मोटर व्हीकल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसका भी कोई रूल होते हैं कि उसके साइज क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, क्योंकि रोड जो इंडिया में है वो उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। सो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है कि आपके व्हीकल की लेंथ विड्थ ब्रेथ वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो भी सारी चीजें इस लॉ में बताई जाती है। देन ड्यूटी ऑफ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल टू गिव इंफॉर्मेशन। सो जो आपका मोटर व्हीकल ओनर है, अगर आपने किसी गाड़ी को खरीदा है, तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप उसको रजिस्टर करो, और जब आप रजिस्टर करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को उस व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। सो दीज आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट
1988 एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। सो ये लॉ कब एक्ट में आया था? ये एक्ट में आया था 1 जुलाई 1989। सो 1 जुलाई 1979 से ये लॉ एक्ट किया गया है, तब से ये मोटर व्हीकल के जो रूल्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया यूज किए जा रहे हैं। सो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो पहला सेक्शन है वो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हमें बताता है, क्योंकि जब भी कोई लॉ के बारे में आप जब भी कोई लॉ अप्लाई कर रहे हो, सो मोटर व्हीकल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है या उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा या किसको क्या कहा जाएगा, क्या कंसिडर किया जाएगा, वो जानना बहुत जरूरी होता है। सो इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में दी गई है। वैसे तो वहाँ पे 50 से ज़्यादा डेफिनेशंस है, पर यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली डेफिनेशन से। जो पहली डेफिनेशन है वो है मोटर व्हीकल, यानी कौन सी चीज को मोटर व्हीकल या फिर व्हीकल कहा जाएगा वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो मोटर व्हीकल किस तरह से बताया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये लॉ में जिस तरह से दी गई है वही हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, वही यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन हम अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट ने जो लॉ में दी गई है उसी को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सो मोटर व्हीकल या फिर व्हीकल किसको कहा जाएगा? मीन्स एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल। सो ऐसा व्हीकल जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड किया जा रहा है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हीकल को मैकेनिकली प्रोपेल्ड कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी से प्रोपेल करते हैं। एडॉप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड वेदर द पावर ऑफ प्रोपल्शन इज ट्रांसमिटेड देयर थ्रू फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स। सो पावर आप या तो एक्सटर्नल सप्लाई करो या इंटरनल सप्लाई करो। ऐसा व्हीकल जो मैकेनिकल एनर्जी से चल रहा है, जिसके अंदर चेसिस होता है, व्हीकल की बॉडी होती है, या फिर जिसके अंदर ट्रेलर अटैच होता है। यानी देखिए यहाँ से क्या समझ में आता है कि आपके कार, मोटरसाइकिल या फिर ट्रैक्टर और ट्रेलर जो होते हैं वो भी इस मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अ व्हीकल रनिंग ऑन फिक्स्ड रेल। सो ऐसे व्हीकल जो फिक्स रेल पे चलते हैं, यानी ट्रेन वगैरह जो होती है वो भी एक्सटर्नल इंजन के पावर सोर्स पे चलती है या वो रेल पर चलती है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता मोटर व्हीकल में। एट द सेम टाइम व्हीकल ऑफ अ स्पेशल टाइप एडॉप्टेड टू यूज इन दी फैक्ट्री। तो अगर आप किसी व्हीकल को इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, जैसे फोर्कलिफ्ट वगैरह होते हैं, या जो व्हीकल इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस में चलते हैं, यानी कहाँ पर चल रहे हैं, जो एक एरिया में चल रहे हैं, जो रोड पर नहीं चल रहे हैं, उनको व्हीकल में कैटेगरी में नहीं लिया जाता। एंड द व्हीकल विच इज हैविंग लेस देन व्हील फोर व्हील फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 25 cc के ऊपर जिसमें इंजन लगा हुआ है उसको मोटर व्हीकल मानेंगे, उसके नीचे में जो भी इंजन लगा हुआ है उसको मोटर व्हीकल कंसिडर नहीं करते। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद दूसरा है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल क्या होती है? इट मीन्स अ टू व्हील्ड मोटर व्हीकल इंक्लूजिंग ऑफ एनी डिटेचेबल साइड कार हैविंग एन एक्स्ट्रा व्हील अटैच टू द मोटर व्हीकल। तो एक मोटर व्हीकल जिसमें इंजन होना चाहिए, इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर सोर्स, और वो कैसे चलेगा, जिसके अंदर दो व्हील होने चाहिए, उसे कहा जाता है मोटरसाइकिल। तो ये दो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी। तीसरी डेफिनेशन है HGV, जिसको हेवी गुड्स व्हीकल बोलते हैं। हेवी गुड्स व्हीकल मतलब जो गुड्स कैरिंग व्हीकल होते हैं, जैसे ट्रक, मिनी मिनी ट्रेलर या ट्रैक्टर्स जो होते हैं, आपके जो व्हीकल्स होते हैं पिकअप ट्रक वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, गुड्स कैरिंग है, यानी जो ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए होते हैं, जो गुड्स को कैरी करते हैं, यानी सामान को ढोने के लिए काम में आते हैं। तो इसमें पहला है हेवी गुड्स व्हीकल। तो हेवी गुड्स व्हीकल किसको बोलेंगे? एनी गुड्स कैरेज, गुड्स को लेके जाने वाला, ग्रॉस व्हीकल वेट जिसका होना चाहिए नॉट एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम। सो इसमें रोड रोलर नहीं आएगा, वो व्हीकल नहीं रहता है। अनलेडन वेट ऑफ व्हीकल कितना होना चाहिए? 12,000 किलोग्राम के ऊपर, यानी 12 टन के ऊपर अगर व्हीकल का वेट है तो उसको कहते हैं HGV, यानी हेवी गुड्स व्हीकल। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं MGV की, यानी मीडियम गुड्स व्हीकल। मीन्स एनी गुड्स कैरेज वेहीकल अदर देन अ लाइट मोटर व्हीकल और अ
हेवी गुड्स व्हीकल, तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कार वगैरह होती है, हेवी गुड्स 12,000 के ऊपर, और इन दोनों के बीच में जो व्हीकल आता है उसको मीडियम गुड्स व्हीकल कहा जाता है। इसके बाद लाइट मोटर व्हीकल की कैपेसिटी देखिए दी गई है यहाँ पे, मीन्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनी बस ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, यानी पिकअप ट्रक, आपके कार जिसमें आप पब्लिक को ट्रांसफर कर रहे हो, आइदर ऑफ विच और मोटर कार और ट्रैक्टर रोल ट्रोलर अनलेडन वेट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 7,500 किलोग्राम। सो 7,500 केजी के ऊपर अगर वेट जाता है तो वो मीडियम में आएगा, उसके नीचे अगर वेट है तो लाइट मोटर व्हीकल में आता है, और 12,000 से 7,500 के बीच में जो वेट होता है व्हीकल का वो लाइट मोटर व्हीकल में कंसिडर किया जाता है। सो आई होप कि ये चार तीन डेफिनेशन आपको समझी होगी। इसके बाद आता है पब्लिक सर्विस व्हीकल, तो ऐसे व्हीकल जिनको पब्लिक सर्विस व्हीकल कहा जाता है कौन से होते हैं, एनी मोटर व्हीकल यूज्ड और अडॉप्टेड टू बी यूज्ड फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर। तो आप कैरेज ऑफ पैसेंजर यानी पैसेंजर को ट्रांसफर करने के लिए जो व्हीकल यूज हो रहे हैं, इट मे बी ट्रक कार बस एंड ऑल, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट सर्विस पब्लिक सर्विस व्हीकल। इसके अंदर मैक्सी कैब आ सकता है यानी कार आ सकती है, मोटर कैब आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज, तो ये बहुत सारे टाइप के व्हीकल है। किस तरह से आप व्हीकल को यूज कर रहे हो वो यहाँ पे बताया गया है, सो उसके बेसिस पे ये सारी चीजें होती है। जैसे स्टेज कैरेज यानी जो आपके एसटी बसेस होती है, आप एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए टिकट ले सकते हो तो वो स्टेज कैरेज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी आपने किसी व्हीकल को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है कि आपको एक जगह जाना है वापस आना है, उस पर्पस के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बोलेंगे। बाकी कोई भी कार को मोटर कैब या मैक्सी कैब बोला जा सकता है। सो इस तरह से ये पब्लिक सर्विस व्हीकल में यूज किया जा सकता है। सो दीज आर दी डेफिनेशंस फॉर रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसको कहेंगे, जो व्हीकल को आप पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करते, यानी पब्लिक सर्विस व्हीकल या गुड्स कैरेज व्हीकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस और प्राइवेट सर्विस व्हीकल। देखिए कोई भी व्हीकल है जिसको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप किसी कार को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, दूसरे लोगों को कैरी करने के लिए यूज कर रहे हो, सो ऐसे व्हीकल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोला जाता है। गुड्स कैरेज व्हीकल होती है, बस होती है, ये सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, यानी हम प्राइवेट पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे किसी से पैसे लेके उसको चला रहे हैं, सो ऐसे व्हीकल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल कर सकते बोल सकते हैं बोलते हैं। और इनको क्या करते हैं हम लोग, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम यूज करते हैं, यानी आप पब्लिक पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, गुड्स कैरेज के लिए भी यूज कर सकते हो। यानी देखिए एक कार है जो हमारे पास पर्सनली है, पर वही कार अगर आप ओला में यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो जाएगी। सो इस तरह से ये व्हीकल का क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद ड्राइवर, ड्राइवर कौन होगा, इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल यानी मोटर व्हीकल से रिलेटेड में एक व्यक्ति होता है जिसका काम क्या है, जिसका काम है व्हीकल को कंट्रोल करना, विच इज ड्रॉन बाय अनादर मोटर व्हीकल, द पर्सन हु एक्ट्स एज अ स्टीयरमैन, जो स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है, दैट पर्सन इज नोन एज द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल। उसके बाद पैसेंजर, पैसेंजर क्या है, अ ट्रैवलर ऑन अ पब्लिक और प्राइवेट कन्वीनियंस अदर देन द ड्राइवर पायलट और क्रू। सो पैसेंजर क्या है, वो व्हीकल जो व्हीकल में ट्रैवल कर रहा है, अदर देन दी ड्राइवर नहीं होना चाहिए, पायलट और क्रू यानी जो कंडक्टर वगैरह हो सकता है सर्विस प्रोवाइड करने वाले, उनको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति आपके व्हीकल में ट्रैवल कर रहा है तो वो होगा पैसेंजर। उसके बाद एक आखिरी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सीडेंट्स की। तो एक्सीडेंट यानी क्या, एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट डेट हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड अनइंटेंशनली टिपिकली रिजल्टिंग द डैमेज एंड इंजुरी। सो ऐसा कोई इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टली हुआ है, अनइंटेंशनली, आपने करने की कोशिश नहीं की लेकिन खुद ब खुद हुआ है किसी रीजन के वजह से, और जिसमें किसी को डैमेज होता है, व्हीकल को डैमेज होता है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज होता है या किसी को इंजुरी होती है, ऐसे इसको कहा जाता है इंसिडेंट को एक्सीडेंट। सो दिस इज ऑल दी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, और भी बहुत सारी मोटर व्हीकल एक्ट में डेफिनेशन है, पर ये हमारे करिकुलम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो इतनी भी डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए।
सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले समराइज कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, सलाइंट फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो दिस इज द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ी है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी, जैसे मोटर व्हीकल क्या होती है, मोटरसाइकिल क्या होता है, हेवी व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स क्या है, ड्राइवर की डेफिनेशन, एक्सीडेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। सो आई होप कि यू कैन बी एबल टू डिफाइन ऑल दीज डेफिनेशन अंडर दिस। सो ये सारी डेफिनेशंस डिफाइन कीजिए और दैट विल बी योर असाइनमेंट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। साथ ही साथ PO1 यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि बेसिक नॉलेज लॉ के बारे में हमारा इम्प्रूव हुआ है, सो इसीलिए PO1 मैप है। PO4 यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग PO7 मैप किया है और PSO2 भी मैप किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रैफिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।